नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता है उत्तराखंड। जी हां, आज पूछेगा उत्तराखंड कि आखिरकार कांग्रेस के घर में चल क्या रहा है। क्या वाकई हरीश रावत एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए बेताब हैं? क्या एक बार फिर से वो इशारों इशारों में संकेत आला कमान और घर के विरोधियों को दे रहे हैं कि मसला सीधे तौर पर मुख्यमंत्री बनने का है तो मेरे आगे न पीछे न दाएं न बाएं कोई और मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए। सरकार कांग्रेस की बनी तो चेहरा हरीश रावत ही होंगे। हरीश रावत गाहे बगाहे अनौपचारिक रूप से औपचारिक ऐलान कर रहे हैं, संकेत की भाषा में सियासत में समझा रहे हैं कि हरीश रावत यानी कि हरदा के सिवा कांग्रेस में कोई और चेहरा हो ही नहीं सकता। तभी तो वो कहते हैं कि सीएम नहीं बनूंगा तो फिर घर बैठ जाऊंगा। अब उनके इस बयान को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के घर में सियासी भूचाल आया हुआ है। कल तक शांत बैठे उनके विरोधी, विरोधी मतलब बीजेपी के घर के नहीं बल्कि कांग्रेस के घर के विरोधी, अब संकेत दे रहे हैं कि वो सपने देख रहे हैं। कल तक बीजेपी वाले कह रहे थे ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने, अब कांग्रेस के घर के भीतर से ही हरीश रावत के विरोधी माने जाने वाले जो विरोधी गुट है अब वो एक्टिव हो गया है कि हरदा को रोको। याद होगा आपको कि न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने हाल ही में चुनाव से पहले एक खबर चलाई थी जिसमें हमने एक के बाद एक हरीश रावत के ट्विटर हैंडल से वो तमाम ट्वीट्स आपको दिखाए थे जिसमें वो लगातार इस तरह की घोषणाएं कर रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो ये करूंगा और हरदा को लेकर मुहिम चल रही थी उस ट्विटर हैंडल पर। हरदा के संग उत्तराखंड, हरदा की उत्तराखंड की यही पुकार, हरदा एक बार, इस तरह के हैशटैग चल रहे थे जिसमें हरीश रावत को मुख्यमंत्री का चेहरा खुलकर प्रमोट किया जा रहा था। इतना ही नहीं, हरीश रावत ने सबसे पहला खुलासा न्यूज वर्ल्ड इंडिया के उस इंटरव्यू में किया था जब हमने उनसे पूछा था कि अगर आपकी सरकार बनी और आप मुख्यमंत्री बने तो कैबिनेट में सबसे पहला फैसला कौन सा लेंगे। तब हरीश रावत ने खुलकर ऐलान कर दिया था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो मैं ये फैसले लूंगा और उसके बाद से ही ये बवाल शुरू हुआ। और अब यानी कि आज की तारीख तक हरीश रावत लगातार मुख्यमंत्री बनने की चाहत जो पाले हुए हैं वो लगातार आज भी एक बयान दिया है, वो भी मैं आगे आपको सुनाऊंगा। लेकिन पहले जरा रणजीत रावत का बयान ध्यान से सुनिएगा। रणजीत रावत कौन? जो हरीश रावत के कभी खासम खास हुआ करते थे, जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे हरीश रावत, और अब कौन? जिनके साथ 36 का आंकड़ा है। रामनगर और सल्ट वाला विवाद आपको याद होगा जब हरीश रावत ने ऐलान किया कि वो उस सीट से चुनाव लड़ेंगे जहां से रणजीत रावत की चाहत थी। दोनों के बीच में फिर टकराव हुआ, तलवारें खींची। लेकिन आज एक बार फिर से जब हरदा ने अपने दिली इजहार किया मुख्यमंत्री बनने का तो रणजीत रावत ने भी लगे हाथ कटाक्ष कर दिया। सुनिए जरा रणजीत रावत ने क्या कुछ कहा, हरीश रावत का भी बयान सुनाएंगे और फिर उसके बाद सियासी बवाल को लेकर आज चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले जरा रणजीत रावत का यह बयान ध्यान से सुनिए। सोचने को तो सभी सोच सकते हैं, यदि होता मैं किन्नर नरेश तो राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पे मुकुट चमकता। लेकिन जो प्रश्न आपका है मुख्यमंत्री कौन होगा, तो ये तो कांग्रेस विधानमंडल की बैठक के बाद जो कांग्रेस हाईकमान को अधिकृत किया जाता है और कांग्रेस हाईकमान का ही प्रिविलेज है कि वो नेता किसे चुनते हैं, जिसे कांग्रेस हाईकमान नेता चुनेगी वो हमारा नेता। तो सुना आपने, रणजीत रावत कह रहे हैं कि अगर ये होता तो वो होता, वो होता तो वो ये होता, यानी वो हरीश रावत के बयानों को कह रहे हैं कि सीरियसली मत लीजिए। हरीश रावत मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं लेकिन उनके अपने घर के ही विरोधी उन्हें निपटाने में लगे हुए हैं। आइए जरा राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस पूरे मुद्दे को लेकर आई है वो आपको सुनाते हैं और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी में स्वयंभू नहीं बनता है। मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर जो हमारी आला कमान चाहती है, हमारा जो विधायक दल निर्णय लेता है, हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है, उसके हिसाब से मुख्यमंत्री हमारे यहाँ बनते हैं। आज माननीय हरीश रावत जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जो है हमारी हाईकमान चुनेगा, जिसे हाईकमान चाहेगा वो जो है मुख्यमंत्री बनेगा। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं कोई विवाद किसी का भी नहीं है। निश्चित तौर पर हरीश रावत जी एक बहुत ही वरिष्ठ नेता है, उनका एक लंबा अनुभव है और उस अनुभव को देखते हुए
मेरा मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि यदि वो बात कोई कह रहे हैं तो उसको हम लोगों को समझना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। वो आने वाले समय में जो मेरा ये मानना है कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो आला कमान के फैसले से बनेगा। ठीक सर। मैं तो राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सर पर मुकुट चमकता। श्रीमान ये हम नहीं कह रहे हैं, यह कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष श्री रंजीत रावत जी, हरीश रावत जी के लिए बोल रहे हैं, जो रोजाना एक नया शगुफा छोड़ रहे हैं, रोजाना नए सपने देख रहे हैं, रोजाना अपनी नई कैबिनेट बना रहे हैं, जबकि चुनाव के परिणाम आने में अभी एक लंबा समय बाकी है। और जिस तरह से वो एक दिवा स्वप्न देखने के उसमें आए हैं, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उनके ऊपर पूरी तरह से सही चरितार्थ। तो बीजेपी कह रही है मुंगेरी लाल के ये हसीन सपने हैं जो कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि उनके अपने ही उन्हें निपटाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के नेता ही कटाक्ष कर रहे हैं और हरीश रावत रोज एक नया ऐलान कर रहे हैं। आज भी लेटेस्ट एक नया ऐलान आया, वो ऐलान जो घोषणा के रूप में मुख्यमंत्री बनने का सपना पाले हुए हरीश रावत ने एक बार फिर से शगुफा छोड़ा है। अब ये शगुफा है या फिर कुछ और, 10 मार्च को तो वैसे हकीकत सामने आ जाएगी, लेकिन 10 मार्च के बाद असली कहानी शुरू होगी। अगर कांग्रेस वाकई में बहुमत हासिल करती है तो असली खेल तब शुरू होगा 10 मार्च के बाद, क्योंकि हरदा सीधा दिल्ली कूच करेंगे और आला कमान पे हो सकता है वही वाला दबाव जो 2012 में हुआ, क्योंकि हरीश रावत भी जानते हैं ये आखिरी मौका है, आखिरी मौका उम्र के लिहाज से भी और राजनीतिक लिहाज से भी। लेकिन सवाल ये कि क्या हरीश रावत खुद लाल कुआं से अपनी सीट बचा पाएंगे। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि हमारे साथ जो आज मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। अवधेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि उत्तराखंड की सियासत को बहुत करीब से कवर करते हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है अवधेश जी आपका। साथ ही साथ सती साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। सती साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में हमारे साथ कांग्रेस के चेहरे भी जुड़ेंगे। सुनने में आया कि कांग्रेस के एक नेता हमारे साथ जुड़े थे लेकिन उनको जैसे ही मुद्दा पता चला उन्होंने अपने हाथ और पैर दोनों पीछे खींच लिए। लेकिन खैर अब देखिए, इस चर्चा की शुरुआत में आपसे साथ करना चाहूँगा, ये चल क्या रहा है कांग्रेस के घर में, और हरीश रावत की चाहत तो किसी से छिपी नहीं है, ये संकेत क्या दे रहे हैं? क्या कैबिनेट भी बना ली क्या रावत जी ने घर पे बैठे बैठे? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल जिस तरह की बात आजकल ये चल रही है, सुनाव आ रही है, अभी की बात, ये बात बहुत पहले से है, क्योंकि अब वर्तमान अगर बात करूं मैं तो वर्तमान में तिलक जी सीधे सीधे दो गुट कांग्रेस में है, एक गुट हरीश रावत का और दूसरा गुट प्रीतम सिंह जी का। प्रीतम सिंह जी का जो गुट मान के चले तो प्रीतम सिंह जी के गुट में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव हो गए और बाकी जो उनके साथ की टीम है वो सब लोग हो गए, प्लस हरीश रावत के साथ ऐसा अभी कोई बड़ा नाम नहीं है, क्योंकि वो खुद उनका कद बड़ा है तो इसलिए वो दिल्ली से डायरेक्ट संपर्क में है। तो कहीं ना कहीं जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो बार बार तब कुलाचे मारने बैठ जाती हैं जबकि कहीं से सुनने को मिलता है या कहीं से इनपुट मिलता है कि शायद विरोधी गुट की कोई मीटिंग हुई, कोई बैठक हुई जहां पर इस तरह की बातें आई। अगर अभी का भी आज का भी इनपुट लेंगे तो आज भी प्रीतम सिंह जी की जो है जो नैनीताल के सांसद है पूर्व सांसद केसी बाबा उनसे मिलने गए, उनके आवास में बैठक हुई जहां जो है आदेश चौहान और एक दो विधायक और मौजूद रहे, तमाम जो कांग्रेस के कुमाऊं के नेता हैं तमाम वो मौजूद रहे। तो कहीं ना कहीं ये इस अपने आप को खुद को नेता साबित करने की, क्योंकि कांग्रेस जो तमाम सिनारियो है जो 65% मतदान हुआ जब 2017 में जो 2017 में जब मतदान हुआ था उसके बाद ये 65% जो मतदान हुआ है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को लग रहा है कि ये सत्ता विरोधी मतदान की संभावना है कांग्रेस को इसमें दिखाई, कांग्रेस को जो इनपुट्स हैं जैसे हम फील्ड में घूमे हम मतदान केंद्रों पर गए जो हमें इनपुट मिला तो उसमें कहीं ना कहीं रोजगार महंगाई भ्रष्टाचार कानून तमाम चीजों को लेकर भी लोगों ने वोट किया। ये बात अलग बात है कि लोगों ने जो है राष्ट्रवाद के नाम पे वोट किया, मोदी फैक्टर के नाम पे वोट किया, पाकिस्तान में जिंदाबाद के नारे ना लगे, लोगों की अलग अलग मानसिकताएं थी उस नाम पर वोट पड़ा, लेकिन वोट जो है इस पर भी पड़ा है। तो कहीं ना कहीं हरीश रावत को लग रहा है कि शायद हम अगर बहुमत भी ना मिल पाए लेकिन हम जो है 2012 की तरह जो है ना बाहर से बसपा का समर्थन मिल सकता है, हमें निर्दलीय का समर्थन मिल सकता है, हम सरकार बना लेंगे। तो हरदा की केवल एक ही चाहत है कि हर कीमत पर उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनना, तो इसलिए वो अभी से माहौल बनाने में लगे हैं ताकि बाद में ये के पास जाऊं। मुझे एक बात बताइए,
कांग्रेस के घर के एक नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, उनको साइलेंट किलर बोला जाता है। साइलेंट किलर मतलब कि खामोशी से अपना काम करते हैं, चुपचाप बिल्कुल। और इशारा दे देता हूं, कभी प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और वो भी विरोधी गुट माना जाता है। तो ऐसे में क्या अभी भी वो साइलेंट हैं या फिर रणजीत रावत उनकी तरफ से बैटिंग कर रहे हैं? देखिए, रणजीत रावत उनकी तरफ से बैटिंग नहीं कर रहे, वो साइलेंट इसलिए हैं कि जब हरीश रावत ने शुरू में जब उनकी वापसी हुई थी और कहीं ना कहीं वो यहाँ आए थे, क्या कहते हैं, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे, तो हरीश रावत ने कहा था कि अब जो है मैं दलित चेहरे को आगे करूंगा और जो है अब दलित मुख्यमंत्री की सुखबुहार हरीश रावत ने छेड़ी थी। लेकिन वर्तमान में वो दलित मुख्यमंत्री हो या किसी वर्ग का मुख्यमंत्री हो, उन्होंने सब बंद कर दिया है। अब उनका एक ही लाइन है, एक ही कॉन्सेप्ट है कि हरीश रावत मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं तो घर बैठेंगे। सीधा सीधा मुझे सीएम बनाओ, मैं सीएम बनाऊ नहीं, सीएम नहीं बनूंगा। वालों को क्या मूड है? तो जो कुछ आदेश भाई सीधा सीधा बताइए, चक्राता वालों का क्या मूड है? देखिए, चक्रोत्तर वालों का मूड साफ है, कभी चक्रोत्तर वाले खास हुआ करते थे हरीश रावत जी के। लेकिन जो वर्तमान समीकरण है, कहीं ना कहीं देखिए, अभी हरीश रावत जी के साथ गणेश गोदियाल जी हैं, लेकिन गणेश गोदियाल जी खुद जिस तरह से लगातार सुखबुगाट है, एक ब्राह्मण चेहरा है, किशोर उपाध्याय चले गए हैं गढ़वाल मंडल से, एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा है, हरीश रावत कुमाऊं मंडल से एक बड़ा ठाकुर चेहरा है, और प्रीतम सिंह जो है चकरौता से आते हैं। हमारा जो राज्य है करीब तीन ध्रुवों में बटा हुआ है, चकरौता हो गया, अब ये जौनसार का इलाका हो गया, हमारा कुमाऊं मंडल हो गया और गढ़वाल मंडल हो गया। तो ज्यादातर जो प्रतिनिधित्व अभी तक कुमाऊं और गढ़वाल के पास उत्तराखंड की सियासत कर रहा है। वर्तमान में अगर ऐसे कुछ समीकरण बनते हैं तो हरीश रावत कहीं ना कहीं गणेश गोदियाल को भी इसमें आगे करेंगे। लेकिन अभी गणेश गोदियाल के साथ मुसीबत यह है कि वो ज्यादा इससे नहीं बोल सकते हैं कि जो वहां की सीट का जो समीकरण है वो मोदी की रैली के बाद उस सीट के समीकरण बदल गए हैं, क्योंकि वहां जो है वहां के बिल्कुल समीकरण बदल गए हैं, जो उन्हें जो नेक टू नेक फाइट लगी थी वो खामोश। मैं सतीश साहब के पास जाऊंगा। सतीश साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। केजरीवाल जी बड़ी सुर्खियों में है सर आजकल। देखिए सर, जब चुनाव आता है तो इस तरह के प्रोपेगंडा चलते हैं, वो तो हर चुनाव में चलते सर, हैं। मैं तो सवाल तो सुन लीजिए, आप तो शुरू हो गए सर, मैं तो प्रोपेगंडा की बात ही नहीं कर रहा। ये तो इल्जाम मेरे ऊपर भी लगाया आपके नेताओं ने उत्तराखंड में कि एक प्रोपेगंडा चला रहे हो तिलक चावला, और आप ही के नेता आपको मंच पे गालियां देकर चले गए। सर वो मैंने थोड़ा ना चलाया था सर, वो जो गालियां दे रहे थे मैं तो सुना रहा था कि ये गालियां दे रहे हैं आपको, मैं तो वही सुना रहा था सिर्फ। लेकिन मुझे एक बात बताइए सतीश साहब, छोड़िए ना उत्तराखंड की राजनीति में कब क्या कैसे क्यों हो जाए ये सब जानते हैं। चलिए, उम्मीद आपको नहीं है, लेकिन फिर भी आपके भाग्य में लिखा हो कि सत्ता की चाबी आपके पास है, तो हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनना कबूल है क्या आपको? देखिए, राजनीति में हर व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षा होती है, और जिस तरह हरीश रावत जी शुरू से ही पूरे चुनाव में पूरा नेतृत्व कर रहे थे, और अब चूंकि 10 मार्च को परिणाम आने वाले हैं, तो ऐसे में एक पार्टी हाईकमान पे एक प्रेशर बनाने के लिए और अपने विरोधियों पे एक प्रेशर बनाने के लिए उन्होंने हर दिन एक नया दाव खेल रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, वो किसी को भी मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन हमारा ये कहना है कि दोनों ही पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दोनों में अब चुनाव के बाद फूट चरम पर आ गई है, जहां भारतीय जनता पार्टी पे उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष पर कुठारघात करने का आरोप लग रहा है, चुनाव में हराने का आरोप लग रहा है। तो ऐसे आरोप आप पर भी लग रहे थे क्या? ऐसे आरोप तो आपको भी लग रहे थे, अभी तो आप मुझे समझा रहे थे कि भैया चुनाव है, चुनाव में तो आरोप लगते रहते हैं, ऐसे आरोप तो आप पर भी लगे। उत्तराखंड में कितने नेताओं ने, देखिए आपके 32 नेताओं ने आप ही की पार्टी को गाली देकर लात मार दी, आपकी पार्टी को मारी कि नहीं मारी? देखिए यहाँ पर तो सिटिंग विधायक है वो खुल के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ आ गए। आप ये देखिए ना, तो आपके तो विधायक भी नहीं है पर, नहीं, आम आदमी पार्टी तो पहली बार चुनाव में जा रही है और पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, और कहीं ना कहीं जो आने वाले हम जो परिणाम है वो आश्चर्यजनक परिणाम होंगे। हम तो फिर भी कह रहे हैं ये बात कि 10 मार्च को चुनाव नतीजे खुलने दीजिए, उसके बाद जो भी परिणाम आएंगे आम आदमी पार्टी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आपको भी लग रहा है हरीश रावत मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं? देखिए, हसीन राजनीति है, राजनीति में हर कोई मुख्यमंत्री सर्वोच्च पद पर चाहता है, हर कोई चाहता है कि ताज उसके सर पर लगे। और जिस तरह हरीश रावत वाजे बजाए हर बार जब जो हर दिन एक नया सिपुगा छेड़ देते हैं, पार्टी हाईकमान पर प्रेशर बना रहे हैं, अपने जो विरोधी खेमे हैं उन पर प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं, तो अब तो उन्होंने कह दिया कि मुख्यमंत्री से नीचे मैं कुछ और पद दूंगा नहीं, तो अब तो उनकी मंशा स्पष्ट हो गई है कि वो या तो खेल खराब करेंगे नहीं तो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आप लोग ये सपना साकार करेंगे हरीश रावत का कि नहीं? देखिए, हम किसी का सपना साकार नहीं कर रहे, हम तो हमने चुनाव लड़ लिया है, हम 10 मार्च का इंतजार कर रहे हैं, 10 मार्च के बाद जो भी रिजल्ट आएगा हम उसका जनादेश का सम्मान करेंगे।
अच्छा 10 मार्च का इंतजार करें, जनादेश आएगा उसका सम्मान करेंगे, मतलब आप मान ही नहीं रहे कि सत्ता की चाबी आपके पास होगी। नहीं, मैंने आपको कहा ना महत्वपूर्ण भूमिका में हम तो। अच्छा महत्वपूर्ण भूमिका में, कितनी 72 सीटें आ रही है 70 में से? देखिए ये आकलन तो भाजपा और कांग्रेस को करने दीजिए, ये आकलन हम नहीं करते। तो आकलन होगा ना आपका, आप कह रहे कि सत्ता की भागीदारी, तो मैं पूछ रहा हूँ 70 में से 72 सीटें आ रही है क्या? नहीं जी 72 सीटें क्यों आएंगी, 70 सीटों पे लड़े हैं, 59 सीटों पे लड़े हैं, तो क्या हम कहते हैं 72 सीटें कहाँ से आएंगी हम। अच्छा। लेकिन हमारा कहना ये है कि जो भी होगा चुनाव में आम आदमी पार्टी त्रिकोणीय मुकाबले में है और कहीं कहीं कुछ कुछ सीटों पे बहुत अच्छा। मुझे आज तो बता दो, मैं पिछले एक महीने से लगातार पूछ रहा हूँ जमानत बचा लेंगे कि नहीं। अच्छा आज तो बता दो ये कर्नल साहब जमानत बचा रहे कि नहीं? देखिए मैंने आपको कहा ना 22 सीटों में त्रिकोणीय मुकाबले में है, जमानत का सवाल ही प्रश्न, जमानत बचाने का सवाल प्रश्न ही नहीं होता। अच्छा अच्छा ये अवधेश भाई पता नहीं कैसी अफवाहें उड़ाते रहते हैं, छोड़िए उस बात को। लेकिन विनोद मैडम हमारे साथ जुड़ गई है, विनोद मैडम मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? कैसे मैडम आप? हरीश रावत जी कैबिनेट बना रहे हैं अपनी, कह रहे हैं कि 10-11 तारीख को शपथ और शपथ ग्रहण के बाद मेरी कैबिनेट में कौन कौन नेता होगा, एक कैबिनेट बन रही है सुनने में आया, आपको पता चला क्या? मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। हाँ। और इनके यहाँ मुख्यमंत्री का चयन हाईकमान करता है, आप देखिए ना। तो आपके यहाँ कौन करता है? भी आएंगे मैडम, आपके यहाँ कौन करता है? एक लाइन लिख के दे देंगे कि मुख्यमंत्री का चयन हाईकमान करेगा और एक लाइन पे बस यही होता है। कैसे कहेंगे हरीश रावत जी की वो? विनोद मैडम आपके यहाँ कौन करता है? पहले सीटें ही नहीं आएंगी। विनोद मैडम आपके यहाँ कौन चयन करता है? भाजपा जो है वो सरकार बनाने जा रही है, बहुमत की सरकार बनेगी और हरीश रावत जी तो सपने देख रहे हैं। अच्छा, और इनके यहाँ हाईकमान का, इनके यहाँ वैसे 36 का आंकड़ा है, अब रंजीत जी को देख लीजिए, प्रीतम जी को देख लीजिए, सब अलग अलग गुटों में बंटे हुए हैं। हाँ इनका ये जरूर ये सोच रहे हैं कि बिल्ली के भाग से छींका फूटेगा, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है। अच्छा। ये आपस में लड़ मर रहे हैं और कुछ नहीं है। बाकी सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने वाली है और हरीश रावत को बिल्ली जैसी सोच हो गई है कि सिर्फ मैं ही हूँ और कोई नहीं है, एकला चलो की स्थिति में है। ऐसा नहीं हो सकता है, सरकार भारतीय जनता पार्टी बना रही है और बड़े बहुमत के साथ बना रही है। मैडम कांग्रेस का तो इनका तो कुछ आप बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार बना रही है। मैडम दिल्ली में एक लाइन लिख देंगे कि बस जो हाईकमान कहेगा वो, मैडम सबको मानना पड़ेगा कौन इनका, अभी इनका नेता ही कौन है यही पता नहीं है कुछ। विनोद मैडम सवाल तो ले लीजिए, विनोद मैडम आप कह रहे हैं बीजेपी सरकार बना रही है, मुझे तो लगा आप कहेंगे कि धामी जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, असमंजस है क्या? नहीं नहीं असमंजस, कोई असमंजस नहीं है, हमारे यहाँ जो भी कार्य होता है वो पारदर्शिता से होता है। नहीं पारदर्शिता तो मैं अभी पता चल जाएगी पारदर्शिता, तो धामी सरकार बनाने जा रहे हैं। नहीं सरकार तो बनाने जा रहे हैं, धामी ही मुख्यमंत्री होंगे ना। ये तो माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी तो मतलब अगर उनके यहाँ से सोनिया गांधी जी तय करें तो आपको दिक्कत है, और आपके घर में अगर मोदी जी डिसाइड करें तो आपको दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं ऐसा है कि देखिए धामी जी ने उत्तराखंड में इतना बढ़िया काम किया है युवाओं के। तो मैडम आप बोलिए ना कि मैं धामी को ही मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहती हूँ, धामी ही मुख्यमंत्री बनेंगे तो बोल दीजिए आप। नहीं नहीं लेकिन वो हरीश रावत जी तो कह रहे हैं कि मैं हूँ और कुछ नहीं है। नहीं तो आप सारी उम्मीदें नकारात्मक सोच की तरफ। मैडम आप बोल ही नहीं रहे कि धामी को मुख्यमंत्री बनाइए। नहीं देखिए हमारे यहाँ तो अमित शाह जी और नड्डा जी और माननीय मोदी जी कह चुके हैं ना। हाँ तो मैडम इनके यहाँ भी तो तय करते हैं ना, आपके यहाँ विधायक तय नहीं करते, आपके यहाँ भी विधायक तय नहीं करते तो इनके यहाँ भी विधायक तय नहीं करते। आप ये मत बोले कि विधायकों की राय ली जाती है, विधायक तय करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, विधायक थोड़ी ना तय करते हैं मुख्यमंत्री कौन होगा। हमारे यहाँ बिल्कुल यही होता है कि विधायक ही तय करेंगे, लेकिन अच्छा विधायकों ने तय किया था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाए, विधायकों की सुनते विधायकों ने तय किया था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाए, कि हाईकमान जो फैसला करेगा और हाईकमान ने जो फैसला कर दिया वो फाइनल। मैडम विधायकों ने तय किया था त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाए, या विधायकों ने तय किया था कि तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाए, या फिर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया, विधायकों ने तय किया था? अलग अलग परिस्थितियां हर समय है और इस समय
जो उत्तराखंड सरकार ने जो काम किया है आप खुद देख रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम किया है उत्तराखंड सरकार ने। हमारे यहाँ 5 साल हम लोगों की सरकार रही, सबसे अच्छे काम हुए हैं और जनता के हित में हुए हैं। मैडम ऐसा नहीं है, जनता के हित में हमारे मैडम मैंने 3 बार सवाल पूछा था माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैंने कहा अपने 5 काम गिनवा दीजिए 500 फैसलों में से, वो बोल रहे थे लिस्ट भेज दूंगा तिलक। क्या बात कर रहा, 5 काम तो मैंने 5 ही पूछे थे, मैंने कहा 5 ही बता दीजिए, वो कह रहे थे लिस्ट भेज दूंगा तिलक पढ़ लेना, ऐसे कह रहे थे मुझे। तो हमारे महिलाओं के लिए, बालकों के लिए, दिव्यांगों के लिए। तो मैडम आप फिर छोड़िए उस बात को, आपने खुद ही मान लिया जब ये बात की भाई मुख्यमंत्री हमारे यहाँ विधायक चुनते हैं, आप खुद मान रही कि हमारे तो मोदी जी चुनते हैं, ठीक है बात खत्म। कितने काम गिनाए हैं? एक मैडम, विमला मैडम मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? ये इस तरह की अफवाह फैला रहे थे कि कांग्रेस वाले जो हैं मैदान छोड़कर भाग गए हरीश रावत जी को लेकर सवाल ना पूछे जाए। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि कांग्रेसी मैदान छोड़कर भाग जाए। आप एक बार बताइए हरीश रावत की कैबिनेट में कौन कौन मंत्री होने वाला है, विमला जी जरा बताइए। देखिए सरकार में पहले तो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और मुख्यमंत्री कौन होगा ये हाईकमान डिसाइड करेगा। हाईकमान तो और हरीश रावत जी को वही तो बात है, वो तो रोज कह रहे हैं कि ये वाली घोषणा मेरी आज, ये वाली लगता है कि लिस्ट बना रखी है, कल एक नई घोषणा करेंगे, आज भी की है अभी दिखाऊंगा। वो तो रोज कह रहे हैं कि मेरी कैबिनेट बनेगी तो मैं करूंगा, मेरी कैबिनेट बनेगी तो मैं ये करूंगा। आप कह रहे हैं कि आलाकमान तय करेगा। अरे तो जिसे हाईकमान मुख्यमंत्री बनाएगा तो उसकी कैबिनेट बनेगी बनेगी ना। तो हरीश रावत मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? अरे मैंने पहले बोला कि जिसको हाईकमान हमारा बनाएगा, क्योंकि देखिए हमने कांग्रेस में किसी के चेहरे पे, कोई मुख्यमंत्री के चेहरे पे, किसी के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा। हाईकमान जिसको यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाएगा उसकी कैबिनेट बनेगी। एक मिनट ये जरा मैं अपने सहयोगी से कहूंगा रिकॉर्ड करें। मैडम एक बार यही वाली बात दोबारा से बोलिए आप, मैं हरीश रावत को अभी भेजता हूँ, ये आप बोलिए दोबारा से। क्या चीज? यही जो आपने बात बोली कि हरीश रावत के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा, आलाकमान तय करेगा हरीश रावत मुख्यमंत्री होंगे या नहीं, जो बात अभी बोली। देखो चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष माननीय हरीश रावत जी थे। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जो बात बोली थी आपने वो दोबारा से बोलिए, मेरे को हरीश रावत को भेजनी है ये बात, प्लीज बोलिए। नहीं मैंने ये बोला कि हाईकमान जिसको मुख्यमंत्री बनाएगा उसकी कैबिनेट बनेगी। आपने कहा था ना हरीश रावत मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। मैंने ये नहीं कहा मुख्यमंत्री हरीश रावत नहीं बनेंगे, मैंने कहा जिसे हाईकमान बनाएगा मुख्यमंत्री वो मुख्यमंत्री बनेगा। वो तो पता है 2012 में भी तो कोशिश की ना, 18 विधायक बैठे हुए थे उनके घर पर, वो मुझे कह रहे थे गिन लो तिलक चावला एक एक करके, मैंने गिने 18 थे 18 पूरे, वो तब भी मुख्यमंत्री नहीं बने जी। मैं तभी पूछ रहा हूँ, वो तो आलाकमान ही डिसाइड करेगा किसको बनाना है। मैं फिर भी आपसे पूछ रहा हूँ कि हरीश रावत मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं। देखिए मैं सिर्फ एक कार्यकर्ता हूँ, मैं सिर्फ कांग्रेस की एक पदाधिकारी हूँ और वो मैं डिसाइड नहीं करूंगी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अभी तो ऐसा ये लग रहा तो हाईकमान डिसाइड करेगा कि किसे मुख्यमंत्री बनना है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के पदाधिकारियों के कहने पर मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं। लेकिन विनोद हाईकमान जिसे मुख्यमंत्री बनाएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। आपके यहाँ तानाशाही है, आपके यहाँ फैसला जो है वो 10 जनपद लेता है, आपके यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो सोनिया जी बोलेगा उसे मुख्यमंत्री बनाया जाता है, अभी आपके सामने बोला विनोद मैडम। लेकिन मैं यही कहना चाह रही हूँ, आपकी अभी बात में सुन रही थी, जो मैडम बोल रही थी कि भाई मुख्यमंत्री कौन कौन बनेगा, तो इन्होंने ये बोला कि मोदी जी और अमित शाह जी से बनाएंगे। तो इनका हाईकमान मोदी जी और अमित शाह नड्डा जी है, ठीक है। तो इन्होंने जब चुनाव लड़ा पुष्कर धामी के चेहरे पे, तो ये क्यों नहीं साफ साफ कह रही है कि पुष्कर धामी मुख्यमंत्री बनेंगे करके? सारी जनसभा में बोल दिया है। पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले तो मुख्यमंत्री की आप सीट बचा लो, आप पहले मुख्यमंत्री की सीट बचा लीजिए, तब तो आप मुख्यमंत्री बनाएंगे। सोनिया गांधी, मैं तो ये कह रही हूँ कि पहले आप खुद के मुख्यमंत्री की सीट बचा लीजिए, मुख्यमंत्री की सीट खतरे में पड़ी हुई है, हमारे आपके खुद के मुख्यमंत्री की सीट खतरे में पड़ी हुई है, पहले आप अपनी मुख्यमंत्री की सीट को बचाइए। आपकी मुख्यमंत्री की सीट खतरे में है, मैं कहना चाह रही हूँ बार बार कि आपकी मुख्यमंत्री की सीट जो है वो खतरे में, आप उसे बचाने बचाइए। पहले आपकी मुख्यमंत्री की सीट हार रहे हैं आप, राजनाथ सिंह आपके मुख्यमंत्री अपनी सीट हार रहे हैं, आप उस सीट को बचाइए पहले। आप सरकार तब बनाएंगे जब आपके खुद के मुख्यमंत्री की सीट बचेगी। आपके मुख्यमंत्री की सीट नहीं बच रही, आप सरकार की बात बनाने की बात कर रहे हैं। बोल दिया
वो हो गया। आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री की सीट खतरे में है। हमारे यहाँ सरकार बन रही है, आपकी सरकार कहाँ से बन रही है? जो केजरीवाल के सपने देख रहे हैं पूरी, मैं ये कह रही हूँ भाजपा वालों को केजरीवाल के सपने नहीं देखने चाहिए। केजरीवाल के सपने तो हरीश रावत ही देख रहे, पहले उनको रामनगर से भाजपा वाले देख रहे हैं। भाजपा वाले कह रहे थे, भाजपा वाले देख रहे थे अभी रुकिए ना विनोद मैडम, अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूँ, रुकिए एक मिनट। विमला मैडम, प्रीतम सिंह कैसे नेता है? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। लगता है आपको कि आलाकमान उनकी तरफ नजर इनायत करेगा? ये तो आलाकमान जानता है, मैं नहीं कह सकती इसमें कुछ। आप नहीं कह सकते, लेकिन मेरे इस स्तर की बात नहीं है। आप बता रहे थे खटीमा में खतरे में है कुर्सी, तो फिर लालकुआ सेफ है क्या? लालकुआ बिल्कुल सेफ है। कौन जीत रहा है लालकुआ में? लालकुआ में कांग्रेस जीती, माननीय हरीश रावत जी जीत रहे हैं। हरीश रावत जी जीत रहे हैं, ये कंफर्म है या पिछली बार वाला है हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा वाला? कंफर्म है। तो आपको लगता है लालकुआ जीतने के बाद? क्योंकि मैं खुद लालकुआ में रहती हूँ। अच्छा, लालकुआ से और मुझे पता है कि हमारे तो लड़की हूँ लालकुआ की सीट आ जाए वही बहुत है। एक मैडम विनोद मैडम एक मिनट, गुस्सा नहीं, आप अपने अपने मैं वही कह रही हूँ, फिर आप वही बात कर रही हैं कि आप अपने मुख्यमंत्री की सीट बन जाइए, आप कांग्रेस की सीट के बारे में मत सोचिए, आप कांग्रेस की सीटों के बारे में सोचना बंद करिए। एक मिनट, एक मिनट, अभी एग्जिट पोल कर देता हूँ, रुकिए लालकुआ का एग्जिट पोल कर देता हूँ। एक बात बताइए, संध्या मैडम से मिली थी जाके आप? संध्या मैडम से लड़की हूँ लड़ सकती हूँ? जी हाँ मिली थी मैडम आप? जी। उनके साथ अच्छा हुआ बुरा हुआ? वो खुद मेरे पास आई थी। आपके पास आई थी संध्या जी? अच्छा, देखिए इस मैं कुछ जानना चाह रहा हूँ आपसे, तो उनके साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ? देखिए बुरा भी नहीं हुआ, अच्छा भी नहीं हुआ, मैं ये नहीं कहना चाह रही। अच्छा भी नहीं हुआ, बुरा भी नहीं हुआ, क्योंकि देखिए मैं खुद वहां से दावेदार थी। गुस्सा मत, गुस्सा मत, सवाल ले लीजिए सवाल। मैं पूछ रहा हूँ कि ये संध्या जो है वहां पर, मुझे किसी ने बताया था बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थी कांग्रेस की, आपको लगता है कि वोट काटे होंगे उन्होंने? मैं भी थी वहां से, मैं भी कैंडिडेट थी। नहीं मैडम ठीक है, मैं भी कैंडिडेट थी लालकुआ विधानसभा से, महिला दावेदारों में मैं भी दावेदार थी। मान गया आपकी बात, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन लड़वाते नहीं, अब मैं क्या करूं, वो तो स्लोगन है ना, आप छोड़िए उस बात को। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि संध्या मैडम ने कुछ वोट काटे होंगे हरीश रावत के कि नहीं? बिल्कुल नहीं, नहीं, देखिए संध्या मैडम के लड़ने से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ। ओके, अच्छा विनोद मैडम, ये तो कह रहे हैं कि हरीश रावत जीतेंगे और हरीश रावत ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ठीक है मैडम? वो कह रही है हमारा सपना है हरीश रावत को मुख्यमंत्री पद देखना चाहना, लेकिन मुझे एक बात बताइए विनोद, वो कौन था जो कह रहा था कि अब की बार 60 पार जिताओ, कौशिक को मुख्यमंत्री बनाओ? ऐसा है कि पहले तो हरीश रावत जी जीत ही नहीं रहे हैं रामनगर से, वो लालकुआ मैडम छोड़िए, खटीमा में भी लोग यही कह रहे हैं, कह रहे धामी जी नहीं जीत रहे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रही, अरे तो आप अपने मुख्यमंत्री की सीट के बारे में सोचे ना, हरीश रावत के बारे में क्यों सोच रही है? आप परेशान होइए तो अपने मुख्यमंत्री की सीट बचाने के लिए परेशान होइए। सरकार आ रही है और बड़े बहुमत से आ रही है। सती जी के पास जाऊंगा, लेकिन अवधेश भाई मुझे एक बात बताइए, वो आजकल कोई वो पुष्पा मूवी चल रही है कोई, मैंने देखी नहीं, मुझे मालूम नहीं है। मेरा ध्यान आकर्षित तब हुआ जब रक्षा मंत्री पहुंचे और उत्तराखंड से उनका खास लगाव है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास भी पुष्पा है, पुष्कर और पुष्पा। मेरा दिमाग चकरा गया, मैंने कहा ये पुष्पा बला क्या है? तो मुझे किसी ने बताया, मैं गलत हूं तो बताइएगा, क्योंकि मैंने वो फिल्म अभी आज तक नहीं देखी है जी, और देखता भी बहुत कम हूं, लेकिन
एक करेक्टर उन्होंने मुझे बताया कि लकड़ी तस्कर होता है पुष्पा कोई, लकड़ी तस्कर। मैं अगर सही हूं तो ठीक है, तो क्या पुष्पा लकड़ी तस्कर है? थोड़ी आवाज कम आ रही है। हाँ मैडम अभी कम आ रही है थोड़ी, अभी कम आएगी, अभी करवा रहा हूँ मैडम। पुष्पा पुष्कर, पुष्पा पुष्कर जो राजनाथ सिंह समझा रहे थे, मैं ये कह रहा हूँ कि पुष्पा से कंपेयर किया जा रहा है पुष्कर को, जो खुद लकड़ी माफिया। नहीं नहीं खाली मुझे... पुष्कर हैं। ना 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 जो राजनाथ जी बता रहे थे ना, कहा आपको किसने कह दिया कि ये कहा? मैडम मैंने तो सुना, जो सुना मैं वही कह रहा हूँ, अगर मैंने गलत सुना तो अभी सुना दूंगा। बोला था पुष्पा, पुष्पा और पुष्कर कुछ ऐसा ही कहा उन्होंने। तो ये अवधेश भाई, नहीं नहीं ये ना 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 आज से ही कंपेयर किया था, पुष्पा से ही कंपेयर किया गया था। ओके कोई बात, पुष्कर धामी की पीठ थपथपा गए हैं हमारे, कोई बात नहीं। अब वो खनन प्रेमी बोलते हैं, अब उन्होंने लकड़ी तस्कर से कर दिया, छोड़िए उस बात को, ये तो खनन प्रेमी बोलते हैं, कितना गलत बोलते हैं। लकड़ी तस्कर था ये, खनन प्रेमी तस्कर थे। कोई खनन प्रेमी है या नहीं है, वो लेटर जारी होने से क्या हो गया, उन्होंने लेटर किसी और ने लिख दिया होगा, तो लिख दिया तो लिख दिया, कोई खनन प्रेमी हो जाएगा उससे, ऐसे नहीं बोलते। अवधेश जी एक बात बताइए, 2012 में जो स्थितियां थी और 2016 जब हरीश रावत बोलते थे कि मेरी सरकार की पीठ पर खंजर घोंप दिया हरक सिंह रावत ने, गोद में बिठा लिया लोकतंत्र के हत्यारे को, गोद में बिठा लिया, लोकतंत्र का हत्यारा था ना वो, जो कहते थे लोकतंत्र की हत्या की है इसने, उत्तराखंडियत को बचाने का मौका आया तो हरीश रावत ने 8x8 कमरे में उत्तराखंडियत को नीलाम कर दिया, हरक सिंह रावत को पार्टी में शामिल करके। जब उत्तराखंडियत को बचाने का मौका हरीश रावत को मिला तो हरीश रावत ने 8x8 के कमरे में उत्तराखंड को नीलाम कर दिया हरक सिंह रावत के हाथों, कांग्रेस में शामिल करके 8x8 कमरे में। अब मुझे एक बात बताइए अवधेश जी, क्या ये 2017 का 2016 का जख्म है जो हरीश रावत जानते हैं कि बैसाखियों के सहारे अगर सरकार चली तो एक नया पीडीएफ खड़ा हो सकता है? नया पीडीएफ समझ जाइएगा कहाँ इशारा कर रहा हूं मैं, नया पीडीएफ। देखिए बिल्कुल तिलक भाई, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो इस ओर ही इशारा कर रही हैं। अभी तक की अगर एनालिसिस देखें आप अगर हर विधानसभा क्षेत्र के पत्रकार साथियों से बात करें, वहां के जो गणमान्य लोग हैं उनसे बात करें, जो राजनीतिक विचारधारा वाले लोग हैं वहां से, जो किसी पार्टी विशेष के लिए काम नहीं करते उनसे अगर बात करेंगे तो इस तरह के पूरे समीकरण निकल के आ रहे हैं कि ना भाजपा ना कांग्रेस किसी को भी पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में दोनों ही बहुमत के करीब हैं, लेकिन बहुमत से 3 या 4 सीटें दोनों पार्टियों की दूर दिखाई दे रही हैं। वर्तमान की जो स्थिति है, वर्तमान की स्थिति मुताबिक बसपा जो है करीब तीन सीटों पर बसपा को जो है मजबूती से बसपा आगे है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करूं तो 2 सीटें आम आदमी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसी जो 3 सीटें हैं, तीन सीटों पर उत्तराखंड में निर्दलीय काफी मजबूत हैं। तो कुल मिला के हरीश रावत को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो आने वाले समीकरण है वो दोबारा से एक पीडीएफ की स्थापना उत्तराखंड में होगी, और इस तरह की संभावना को उन्होंने, क्योंकि वो खांटी राजनीतिज्ञ है और लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, वो जानते हैं कि उत्तराखंड में इस तरह की संभावनाएं बनेंगी। कुछ हमारे अंदर के लोग ही इस तरह की संभावना को बल देंगे, कुछ हमारे अंदर के लोग ही इस तरह की चीजें कर सकते हैं। हरीश रावत इस बात को भी जानते हैं कि अगर ये 2012 वाली भाजपा नहीं है, ये 2022 वाली भाजपा है। 10 साल में भाजपा में बहुत बदल गया है। अगर भले ही भाजपा हमसे 1-8 सीट पीछे भी रहेगी, लेकिन अगर बसपा निर्दलियों या आपके सहमत की बारी आएगी तो कहीं ना कहीं बसपा जो है हमसे भाजपा जो है हमसे बाजी मार लेगी, क्योंकि सरकार बनाने के लिए साम दाम दंड भेद हर चीज की आवश्यकता होती है। तो कांग्रेस के मुकाबले कहीं ना कहीं वहां पर भाजपा की स्थिति ज्यादा मजबूत रहेगी वर्तमान को देखते हुए। तो इस चीज को हरीश रावत भी महसूस करते हैं। पुराना अनुभव बिल्कुल काम आएगा, लेकिन राजनीति में सरकार बनाने के लिए केवल अनुभव से कुछ नहीं होता है। अनुभव उनके पास 2002 में भी था, अनुभव उनके पास 2012 में भी था और अनुभव अब भी है, लेकिन अनुभव के साथ साथ कुछ और चीजों की आवश्यकता पड़ती है। आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे, बिना उन चीजों के सहयोग के सरकार बनाना बहुत मुश्किल पड़ता है। सीधा सीधा बात करो, देखो आप सत्ती साहब से मैं सीधा सीधा पूछता हूँ। सत्ती साहब आपने देखा था ना, वो चार्टर्ड प्लेन आ जाते हैं, बस आ जाती है, कौन कहाँ से। एक उदाहरण देता हूँ 2007 का, कई बार मैंने दिया वो। 2007 में ऐसी सरकार फंस गई थी, 2 निर्दलीय चुनाव जीत कर आए थे और दोनों कांग्रेस माइंडेड और गायब हो गए थे विधायक, निर्दलीय विधायक।
हरीश रावत जी धरना दे रहे थे, मालूम चला पीछे से गायब हो गए, और उनमें से एक विधायक ऐसे थे जिनकी कमर में दर्द था, चुनाव पूरा बिस्तर पर लेटे लेटे जीत गए। ढूंढते ढूंढते हमारे बॉस हुआ करते थे पत्रकार, गलती से बोले कि जब तक मिले नहीं भंडारी साहब ऑफिस में नहीं घुसना, FIR चले गए, पता चला FIR में बंद करके रखा हुआ है। भंडारी जी बोले पहले दिखाओ मुझे यशपाल बेनाम ने क्या बोला, यशपाल बेनाम ने बोला क्या, फिर उसके बाद बोलूंगा कि किसको समर्थन करना है। खंडूरी जी के समर्थन का ऐलान हुआ, कांग्रेस माइंडेड निर्दलीय चुनाव जीत कर आए, खंडूरी की समर्थन को ऐलान किया और खेल मंत्री बन गए। 2012 में भी यही घटना घटी, जिस सीट से आज चुनाव लड़ रहे हैं हरीश रावत, हरीशचंद दुर्गापाल निर्दलीय चुनाव जीते और PDF का जन्म दे दिया, वो PDF किसकी कोख से जन्म हुई वो सब जानते हैं। तो सत्ती साहब आप सीधा सीधा बताइए, गणित मत घुमाइए, आप लोगों के हाथ में भी ज्यादा कुछ है नहीं, ना 3 में ना 13 में, जो आएंगे वो भी सत्ता के साथ हो जाएंगे, लिख लीजिए आज बोल रहा हूं तारीख समय नोट कर लीजिए। इसलिए बताइए कि संपर्क में हैं या ले उड़ गए। देखिए आम आदमी पार्टी के जो भी प्रत्याशी है वो कोई किसी के संपर्क में नहीं है, और जो भी होगा 10 मार्च के बाद होगा। जहां तक बात है कि ये 10 मार्च से पहले कॉमेडी शो चल रहा है क्या, ये हरीश रावत जो समझा रहे हैं, सब संपर्क में है बता रहा हूं। ये देखिए उत्तराखंड के इतिहास में ये पहला ऐसा चुनाव है कि जिसकी नब्ज बड़े से बड़े रणनीतिकार भी नहीं ना पा रहे कि असल में वोट कहां गया है। इस बार उत्तराखंड का वोटर साइलेंट था और निश्चित तौर पर उसने बदलाव के लिए वोट दिया, ये बात तो तय है। आपके तो नेता खुद बता रहे थे, जो आपकी पार्टी के थे वो बता रहे थे डेमी कैंडिडेट उतारे, बीजेपी से डील हुई है आप लोगों की, वो देखिए कोई डेमी कैंडिडेट नहीं था, कोई डमी कैंडिडेट नहीं था, पार्टी पहली बार चुनाव में उतरी थी, कई सीटों में हो सकता है चयन गलत हो, जिसे वो डमी कह रहे, डमी कोई कैंडिडेट नहीं था, सारे पार्टी के प्रत्याशी थे, और चूंकि पार्टी पहली बार चुनाव में चुनाव लड़ी है। ये पंतनगर में ना, एक पंतनगर में वो अवधेश भाई वो प्लेन उतरता चार्टर्ड प्लेन, पंतनगर में संकेत दे रहा हूँ समझ लेना, पंतनगर में चार्टर्ड प्लेन उतर सकता है 10 मार्च के बाद। देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी, आप जिन राज्यों में देखो जहां पे ऐसी स्थिति आई है वहां भाजपा ने हाथों लपके ऐसे प्रत्याशी ऐसे विधायक, लेकिन आम आदमी पार्टी इस पृष्ठभूमि की पार्टी नहीं है। अच्छा, और आप निश्चित रहिए कि आम आदमी पार्टी का कोई भी विधायक नहीं बिकेगा। क्या तोड़ सकते हो तोड़ के दिखा देना, मैंने तो हिंट दे दिया इनको, पंथनगर में चार्टर्ड प्लेन उतर जाएगा, समझे नहीं अभी भी, बिल्कुल एक मिनट वहां उतरेगा, और सत्ती साहब कह रहे हैं कह रहे हैं हम वो नहीं है जो बिकाऊ हैं। ऐसा है कि मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि कोई कुछ नहीं होने वाला है, भारतीय 10 तारीख को आप देख लीजिए रिजल्ट आएंगे, आप लिख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। तो आपको EVM पर पूरा भरोसा है? तो विचार करते ही है EVM पर। विनोद जी पुष्कर सिंह धामी जी दिल्ली से आगे नहीं आगे भी, आपके प्रदेश अध्यक्ष पुष्कर सिंह धामी जी और संजय गुप्ता जी आगे क्या? अरे दिल्ली अगर चुनाव के बाद वो दिल्ली के आ गए आज तो देहरादून में नहीं, वो सीटों का गणित बिठाने गए थे या सर पटोल का गणित बिठाने गए थे वहाँ की सर पटोल क्यों हो रहा है? गणित क्यों बिठाएंगे, हमारी सरकार बन रही है, गणित बिठाएंगे? नहीं प्रश्न देखिए, नहीं जो आनंद देखिए, ये प्रदेश अध्यक्ष ले कान खोल के जब उत्तराखंड आंदोलन, उनको तो पता ही नहीं है कि उत्तराखंड की जनता है कैसी। उत्तराखंड विरोधी अपने विधायक बचा लो पहले, स्वभाव है हम लोगों ने आंदोलन से लिया ये राज्य, ऐसे नहीं मिला, अपने विधायक बचा लो पहले, अटल जी ने दिया है, कांग्रेस को कह गई थी कि हमारी लाश पे उत्तराखंड बनेगा, हम लोग ये संजय गुप्ता की माजी से पूछ लो क्या हो रहा है, आप पार्टी कहाँ स्टैंड कर दिए, आपके तो प्रदेश अध्यक्ष पे भीतरघात के आरोप लग रहे हैं, छोड़ो उस बात को यहाँ जरा, लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष पे ही भीतरघात के आरोप लग रहे हैं, जनता है भोली और आपके अपने विधायक लगा रहे हैं, आप वाले तो एक तरफ बैठे रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है, आप वाले एक किनारे रहे। मैडम आपका पूर्व मुख्यमंत्री कहता है सार पार ले आओ, मदन कौशिक को मुख्यमंत्री बना दो, आपके विधायक आपके प्रदेश अध्यक्ष पे भीतरघात का आरोप लगाते हैं और आप कह रहे हैं मोहम्मद की सरकार बना रहे हैं, धामी जी कहाँ है आपकी, अगर एक सीट आ जाए एक, अरे हमारी चिंता छोड़ो, अरे अपने प्रदेश अध्यक्ष को बचा लो, हमारे घर में मत झांकिए, प्रदेश अध्यक्ष को बचा लो अपने, देखिए अगर, अरे हमारे प्रदेश अध्यक्ष बचे बचाए हैं, कौन वहाँ कौन क्या कर रहा है, या तो विधायकों में जूत पत्र हो रही है आपके यहाँ, तो क्यों होनी, विधायकों में क्यों होगी जूत पत्र,
अरे चीमा जी का बयान देख लो, संजय गुप्ता जी का बयान देख लो, थोड़ी का बयान देख लो, अभी तो तीन ही बोल रहे, अभी तो पूरे सत्य साफ बोलेंगे। वो संजय जी को समझा दिया गया है, समझा दिया है उनकी बात में सत्यता नहीं थी संजय गुप्ता की, क्यों हटाया उन्हें? एक बार उनसे भी उनसे तो पूछ लेते, एक बार उनके उनसे भी तो पूछ लेते, बेचारों को हटा दिया संजय गुप्ता के बयान पे। दिल्ली में आप पक्ष ले लेते हैं, लेकिन क्या है वहाँ विनोद जी, एक बार उनका भी पक्ष ले लेते, बेचारे को कार्यकर्ता थे इसलिए हटा दिया। हुआ है स्वास्थ्य विभाग, वहाँ जंगल बना हुआ है उन अस्पतालों में, आप क्या बात करते हैं? आप अपने अस्पताल लिखे हैं उत्तराखंड के, महिलाओं की देन है, युवाओं की देन आपने है। आपने आपने धामी जी की कंस्टिट्यूएंसी के लगता अस्पताल लिख लिए, नगर में हमारी माँ और बहनों ने किस तरह टाइम पास, किस तरह उनके संग अनाचार हुआ, अत्याचार हुआ, हम जानते हैं। कोई बात नहीं विनोद मैडम, आप ही के तो विधायक का जो बोल रहे, कोई बात नहीं, वो कह रहे भीतरघात हुआ तो मान लीजिए ना, अब वो झूठ थोड़ी ना कह रहे होंगे, आप ही के विधायक, आप ही के नेता कह रहे भीतरघात हुआ, इसलिए आप देख लीजिए कितनी सीटें आई, मैं तो कह रही हूँ आज आप एक सीट आ जाए वही, कोई बात नहीं, कोई बात, एक सीट भी मैडम एक भी आई तो बच जाएंगे, तो इनाम है वो, आप अपना देखो, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, हमारे तो एक दो तीन, हम तो प्लस में हैं, आप अपना देखो ना, सत्ती भाई गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, हो गया, हो गया, देश को बचा लो, सरकार बना रही है, हो गया हो गया, अभी मैंने समझाया, समझ में नहीं आया सत्ती भाई तो फिर इशारा कर देता हूँ, पंतनगर में चार्टर्ड प्लेन उतरेगा, पंतनगर में लिख लो आज, फिर अगर हुआ तो पंतनगर में चार्टर्ड प्लेन उतरेगा, वहां उतरेगा और काशीपुर की तरफ गाड़ियां जाएंगी, ये देखो अब इतना बड़ा हिंट दे दिया, अभी भी कह रहे कि काशीपुर वाला हमारा सक्षम है, हमारा काशीपुर वाला सक्षम है, मजबूत है, अच्छा मैं, लेकिन जब मंत्री पद, लेकिन जब मंत्री पद मिलेगा तो सक्षम भी सोचने को विवश हो जाएंगे, नहीं नहीं उसे वो जो जो प्रयोग बल प्रयोग धन प्रयोग करती है ना उसमें सक्षम है हमारा प्रत्याशी। सत्ती भाई ऐसे कई हमने देखे हैं, वो तभी आप देश भाई समझा रहे हैं, ऐसे कई देखे हमने, अब नाम मत बुलवाओ, छोड़ो बहुत दिक्कत हो जाए। अच्छा एक बात बताइए विमला मैडम, चेहरा तो हरीश रावत ही था ना, हरीश रावत के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा ना आप लोगों ने, और हरीश रावत जिंदाबाद के नारे आप लोगों ने लगाए ना, तो इतनी कंफ्यूजन किस बात की? अगर वो कह रहे हैं कि भैया मैं ही दूल्हा बनूंगा, आप लोग कह रहे हैं कि नहीं दूल्हा आप नहीं बनेंगे, क्यों? हमने ये नहीं कहा दूल्हा वो नहीं बनेंगे, दूल्हा तो जिसे भी बनाएगा हाईकमान बनाएगा, मैंने पहले भी यही बात बोली और अब यही बोल रही हूँ। चेहरा कौन है, चेहरा कौन है? देखिए सारे इतने सारे कैंडिडेट चुनाव लड़े, हाईकमान जिसको लगेगा हाईकमान की उत्तराखंड की बागडोर वो संभाल सकता है, हाईकमान उसको कहते हैं, जिसके चेहरे पर आपने चुनाव लड़ा वो कौन था? कांग्रेस के नाम पर हमने चुनाव लड़ा, हाथ के पंजे के नाम। अच्छा हरीश रावत के चेहरे पर नहीं लड़ा, हाथ का पंजा हरीश रावत जी का भी चुनाव चिन्ह था, वो भी कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, तो हरीश रावत चेहरा थे या नहीं? क्योंकि मैडम मैं रिकॉर्डिंग करके अभी भिजवाऊंगा हरीश रावत को, आप बोल नहीं रहे। देखिए मैंने पहले भी बोला कि हरीश रावत जी ने भी चुनाव लड़ा तो कांग्रेस के नाम पे चुनाव लड़ा, हाथ के पंजे पे चुनाव लड़ा, मतलब कुल मिलाकर हरीश रावत चेहरा नहीं है ना, आप मुझे क्या समझा रही हैं? मैं कुछ नहीं कहना चाह रही, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी हाथ के पंजे पे चुनाव लड़ती है और माननीय हरीश रावत जी ने भी हाथ के पंजे पे कांग्रेस के का जो चुनाव चिन्ह है हाथ के पंजे पे उन्होंने भी चुनाव लड़ा। आप देखिए विनोद मैडम कह रहे हैं कि तीन बार हरीश रावत जिंदाबाद के नारे लगा दो, तीन बार। एक बात बताइए, हमने तो हरीश रावत जिंदाबाद, प्रीतम सिंह जिंदाबाद, गणेश गोतिया जी जिंदाबाद, हमारे प्रभारी देवेंद्र यादव जी जिंदाबाद, सबके नारे, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सबके नारे लगाए हैं। मैडम मैंने आपके सामने पूछ लिया, वो कह रहे कि नहीं हरीश रावत का सिंगल नारा नहीं लगेगा, हरीश रावत का सिंगल नारा नहीं लगेगा, हरीश रावत मैं पहले भी कह रही हूँ कि हरीश रावत जी ने भी चुनाव लड़ा है तो कांग्रेस। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, आदेश भाई आज वाला लेटेस्ट वाला सुना रावत जी का, चुनाव लड़ा है रावत जी का, आज लेटेस्ट वाला सुना, लेटेस्ट वाला, लेटेस्ट अभी ताजा ताजा वाला सुनाऊं या घर बैठ जाऊंगा? नहीं 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 वो होगा, वो तो पुराना हो गया मैडम, वो रणजीत रावत वाला भी सुना दिया मैंने, अभी जो उन्होंने कहा वो नरेश अगर सपना ये वो, अब हरीश रावत जी वाला सुनाता हूं लेटेस्ट आज का, अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा प्ले करिए हरीश रावत सुनाइए जरा। मैं चाहूंगा अभी मेरा
मेरे हाथ में बात गई तो रामनगर जो सुशील कुमार निरंजन का कार्य क्षेत्र था उस कार्य क्षेत्र को उस कार्य क्षेत्र में मैं सुशील कुमार निरंजन के नाम पर एक सार्वजनिक लाइब्रेरी सार्वजनिक वाचनालय स्थापित करूंगा। यदि मेरे हाथ में कभी बात आई तो मैं स्वर्गीय रामलाल जी के नाम पर एक ऐसी वशासत जहां भूमि ना करके बसे हो उस वशासत का नामकरण करना चाहूंगा रामलाल, और राम और श्याम दोनों के नाम पर, मतलब श्यामलाल के नाम पर भी और राम का उद्बोधन भी हो, राम श्याम चर्मकार पेंशन चर्मकार सम्मान पेंशन भी प्रारंभ करना चाहूंगा, चाहे 500 रुपए की राशि हो। मेरे हाथ में सत्ता हो, मेरे हाथ, वो तो कहते कांग्रेस की सरकार बनेगी तो होगा, बात खत्म। वो कह रहे मेरे हाथ में सत्ता होगी, ये समझ नहीं पा रहे, बड़ी कंफ्यूजन हो रही है मैडम। ये लेटेस्ट वाला है आज का, बिल्कुल लेटेस्ट है, दोबारा प्ले करवाऊं? विमला मैडम आवाज नहीं आ रही आपकी प्ले करने में? हाँ, आवाज नहीं आ रही। अरे दोबारा से प्ले करवा दूं हरीश रावत जी का, दोबारा से फिर से प्ले। विमला मैडम ध्यान से सुनिएगा प्लीज, ध्यान से। वो कह रहे हैं आवाज साफ नहीं आ रही है। अच्छा आवाज साफ नहीं आ रही, दोबारा से प्ले करिए। हरीश रावत जी की आवाज नहीं आ रही आपको, बड़ी दिक्कत है, प्लीज प्ले कर दीजिए दोबारा। नहीं नहीं, चाहूंगा कभी मेरे हाथ में बात रही तो रामनगर जो सुशील कुमार निरंजन का कार्य क्षेत्र था उस कार्य क्षेत्र को उस कार्य क्षेत्र में मैं सुशील कुमार निरंजन के नाम पर एक सार्वजनिक लाइब्रेरी सार्वजनिक वाचनालय स्थापित करूंगा। यदि मेरे हाथ में कभी बात आई तो मैं स्वर्गीय रामलाल जी। मैडम वो हर बात पे कह रहे हैं मेरे हाथ में बात आई, मेरे हाथ में बात आई, मेरे हाथ में सरकार आई, ये समझ नहीं पा रहा मैं, ये कह रहा हूँ कि कंफ्यूजन क्यों है इतनी। वो कह रहे हैं मेरे हाथ में, आप कह रहे हैं कि नहीं आला कमान तय करेगा, वो कह रहे हैं कि मैं हूं ना आगे ना पीछे ना दाए ना बाए। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला ये मेरे स्तर की बात नहीं है, इसको डिसाइड करते हैं हमारे हाईकमान, ठीक है ना। कांग्रेस में कोई भी बात अपने आप कोई भी बात डिसाइड हम कार्यकर्ता या पदाधिकारी कोई डिसाइड नहीं कर सकते। तो फिर रावत जी क्यों डिसाइड कर रहे हैं? रावत जी क्यों डिसाइड कर रहे हैं? इस तरीके का जो डिसीजन लेना होता है या हाईकमान लेता है या विधायक मंडल विधायक मंडल लेगा, रावत जी निर्णय नहीं ले सकते। रावत जी क्यों डिसाइड कर रहे हैं? रावत जी फिर क्यों डिसाइड कर रहे हैं? रावत जी ने ये नहीं बोला, डिसाइड उन्होंने भी नहीं करा, उन्होंने बोला की भाई हाईकमान जनता जिसे या हमारे विधानमंडल का जो विधान दल है, हमारे मुख्यमंत्री बना, हमारे विधायक दल जीत जाएंगे, वो लोग जिसको डिसाइड करेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। आपको क्या लग रहा है हरीश रावत ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? रोज एक किसको संकेत दे रहे हैं? वो आला कमान को या प्रीतम सिंह को या रणजीत रावत को? वो किसी को भी संकेत नहीं दे रहे, संकेत नहीं दे रहे, वो बता रहे हैं जनता को कि भाई मुख्यमंत्री मैंने ये करा, अपना जब मुख्यमंत्री को रहे हैं तो वो अपनी बात को तो बताएंगे ही ना। दबाव बना रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, दबाव कोई नहीं बनाता किसी के ऊपर, दबाव भाजपा में चल रहा है दबाव। तभी भाजपा ने पूरे 5 साल में 3-3 मुख्यमंत्री बदलने का काम करा, और जब इनके खुद के और मुख्यमंत्री क्यों हटाए गए ये जनता को भी आज तक पता नहीं है कि इन्होंने मुख्यमंत्री को हटाया क्यों, यानी आपके मुख्यमंत्री नाकारा साबित हुए, इसलिए आप लोगों ने मुख्यमंत्री बदलने के काम से उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में 3-3 मुख्यमंत्री बदले, और जनता को ये पता नहीं चल पा रहा है कि किस कारण से उनको बदला गया। आप ये बताइए ना कि आपकी पार्टी के लोग मुझे जल्दी से बताओ, फिर मैं कार्यक्रम खत्म कर रहा हूं। ये हरीश रावत ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? हरीश रावत रोज ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? आपके विधायकों में इतना सक्षम नहीं, आपके विधायक इतने सक्षम नहीं थे कि खुद के चेहरे पर चुनाव लड़ सके, उन्होंने मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़े, छोटे से राज्य में अगर आपको
मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ना पड़ा, तो इसका मतलब भाजपा सरकार कहीं ना कहीं नाकारा साबित हुई। आप भी तो हरीश रावत के चेहरे पर चुनाव लड़ी ना, आप भी तो हरीश रावत के चेहरे पर चुनाव लड़ी, आप मान ना रही हो चुनाव लड़ने के बाद? हम नहीं, देखिए एक बात बताओ, हम कांग्रेस के नाम पे चुनाव लड़ा, हमने हाथ के पंजे पे नाक के नाम पे चुनाव लड़ा, हमने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा था उस पे चुनाव लड़ा। ये जो और इन्होंने बोल रही है ना, हरीश रावत जी को सब भिजवाइए, मुख्यमंत्री तीन तीन मुख्यमंत्री इन्होंने बताया, क्या उत्तराखंड में अपने मुख्यमंत्री के, इनके इतने मुख्यमंत्री इतने सक्षम नहीं थे कि जो अपने मुख्यमंत्री के चेहरे पे लोग चुनाव लड़ सकते? ये सब भिजवाइए भाई, फाइनल कमेंट आपका, क्यों हो रहा है ऐसा हरीश रावत के बयान? यानी कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भाजपा सरकार, बिल्कुल तिलक भाई, हरीश रावत एक बहुत विजनरी नेता है और वो जानते हैं कि मोदी जी के नाम पे इन्होंने चुनाव, मोदी जी के चेहरे पे इन्होंने चुनाव लड़ा। सरकार तो कांग्रेस की बन गई। देखिए तिलक भाई, हरीश रावत मैडम का ऑडियो नीचे, जनता ने इनको 10 मार्च को आपका पता चल जाएगा कि 10 मार्च को इन्होंने उत्तराखंड से इन्हें भाजपा। ओके ओके, देखिए तिलक भाई, हरीश रावत एक बहुत दूरदृष्टि के नेता हैं और उन्हें, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा, 2012 में जब मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में समर्थन मिला था समाजवादी पार्टी को, तो उस टाइम देखिए एक माहौल बना था और सारा माहौल जो है अखिलेश के पक्ष में बनने बैठ गया था। आप टीवी चैनलों में बात देखें, कार्यकर्ताओं में बात करें, हर जगह अखिलेश की डिमांड उठ रही थी। वही मुझे 2022 में दिखाई दे रहा है कि हरीश रावत विधायक जो करेंगे वो बाद में करेंगे, लेकिन हरीश रावत 10 मार्च तक पूरे प्रदेश की जनता का माहौल, पूरे कार्यकर्ताओं का माहौल और दिल्ली की जो आलाकमान है उसका माहौल अपने पक्ष में बनाने का सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा भरपूर प्रयास कर रहे हैं। वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हरीश रावत के पास वो सारे विजन है जो उत्तराखंड को आगे लेके जा सकते हैं, इसलिए रोज नई एक घोषणाएं लेकर आ रहे हैं, रोज नए एक वायदे लेकर आ रहे हैं, और अपने आप को पूरा माहौल बना रहे हैं ताकि जब अगर 10 तारीख के रिजल्ट के बाद 11, 12, 13, 14 में जब ये निर्णय होगा तो कहीं ना कहीं उस टाइम पूरे उत्तराखंड में एक माहौल बन चुका होगा, जो कार्यकर्ता है उनके अंदर एक माहौल बन चुका होगा और जो दिल्ली के नेता जो बैठे हैं उनके अंदर एक माहौल बन चुका होगा और उन्हें मजबूरी में हरीश रावत को ही सत्ता सौंपनी होगी। ओके, माहौल बना रहे हैं, जो बात विनोद मैडम कह रही थी। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया विमला मैडम, भिजवा दूं सब कुछ हरीश रावत जी के पास। विनोद मैडम पूछ रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, भिजवा दूं विमला मैडम हरीश रावत जी के पास जो जो आपने कहा लाइव में। चलिए भिजवा, क्यों आप उनका दायित्व का वो करना चाह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, सब दायित्वधारी मैडम ने सैक्रिफाइस किया दायित्व तो मिला है सब दायित्वधारी हैं, सबको दायित्व मिलेगा। रावत जी यही कहते हैं, तुम भी चुनाव की तैयारी करो, तुम भी करो, चार चार दावेदार तैयारी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सत्ती साहब आपका, देश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो पूछता है उत्तराखंड की, आखिरकार हरीश रावत के बयान के मायने क्या हैं? क्या संकेत आलाकमान को बिल्कुल साफ है, मैं नहीं तो कोई नहीं, यानी कि रावत के आगे रावत, रावत के पीछे रावत, दाएं रावत, बाएं रावत, सिर्फ हरीश रावत, यही है हरीश रावत की सियासत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।